टॉपिक्स आपको लिखने, जो चीजें जरूरी है जो करनी है, जो आत्मा कलीसिया के लिए दे रहे। जिस जीवन में प्रार्थना नहीं है उस जीवन में सामर्थ नहीं है, जिस जीवन में प्रार्थना नहीं है वो जीवन जीवन ही नहीं है, मजा नहीं आएगा जीवन का। तो वो बढ़ेगी प्रार्थना से, जितनी प्रार्थना उतनी वो सामर्थ उतरती है। चेले जितना टाइम बैठे रहे उतनी अद्भुत सामर्थ उनकी जिंदगी में आई। तो उससे क्या करना है, मांगना, परमेश्वर मुझ में सामर्थ बहे, मुझ में तेरा अभिषेक हो। अब उसे होने के लिए एक ही चीज है, जैसे आज सामर्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं, वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है रिलेशनशिप से, खुदा के साथ संगति से, वो बढ़ती है प्रार्थना के जीवन से, वो बढ़ती है निरंतर प्रार्थना के जीवन से। प्रार्थना करते हुए सामर्थ का इंतजार करो। प्रेरितों के काम में उन्होंने प्रार्थना करते हुए सामर्थ का इंतजार किया और सामर्थ आई। तुम प्रार्थना करो, उसमें बढ़ो, प्रार्थना का जीवन जियो, सामर्थ का इंतजार करो, सामर्थ तैयार है आने के लिए तुम्हारे जीवनों में। प्रार्थना के जीवन में बढ़ने के द्वारा सामर्थ को प्राप्त करना, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना के जीवन से सामर्थ बढ़ती है। प्रार्थना के जीवन से तुम जितना ही प्रार्थना को बढ़ाओगे उतनी सामर्थ बढ़ जाएगी, तुम उसे और बढ़ाओगे और बढ़ जाएगी। पढ़ेंगे वचन को, पहला सैमुअल उसकी 7 अध्याय उसकी 8 आयत। और इसराइलियों ने सैमुअल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़ जिससे वे हमको प्लिस्तियों के हाथ से बचाए। इसराइलियों ने शैमुएल से विनती की। अब प्रार्थना के प्रभाव को देखना, प्रार्थना का जीवन रखना और उसके द्वारा सामर्थ को प्राप्त करना कैसा होता है, कैसी प्रार्थना की वो बात कर रहे हैं। इसलिए शैमुएल ने कहा, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़ जिससे हमको प्लिस्तियों के हाथ से बचाए, जिससे वे हमको प्लिस्तियों के हाथ से बचाए। मतलब वो इसराइली कह रहे हैं यहोवा के आगे दुहाई देना, प्रार्थना करना ना छोड़, जिससे, मतलब इस प्रार्थना ही से हम प्लिस्तियों के हाथ से बचाए जाएंगे। इस प्रार्थना से भी कहते सैमुएल प्रार्थना करना ना छोड़। निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना सामर्थ को बढ़ाती है। निरंतर प्रार्थना, उसे छोड़ना ना। जो तुम समर्पण दोगे, तुम प्रार्थना के समर्पण दोगे, तुम रोजों के समर्पण दोगे, और दुहाई देना ना छोड़, मतलब पुकारना छोड़ना नहीं, आपने लगातार पुकारना है, पुकारते रहना, खुदा मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। ढूंढो, समर्पण दो, प्रार्थना करो, रोजे रखो, दुहाई देना छोड़ना ना। इस वचन से मैं बताता हूं कि प्रार्थना के द्वारा, निरंतर प्रार्थना के द्वारा संकट से उठना, संकट से बाहर आना बहुत ही आसान हो जाता है। कि निरंतर प्रार्थना के द्वारा दुहाई देना छोड़ना ना, मतलब निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के द्वारा तुम जल्दी ही अपने जिस गड्ढे में तुम घिरे हो तुम बाहर आ जाते हो। अपने संकट के समय से, अपने दुख के समय से, अपने पाप में गिरने के समय से, अपने जीरो प्रार्थना वाले समय से, जल्दी अपने कमजोरियों के समय से तुम बाहर आ जाते हो। कहते दुहाई देना ना छोड़ जिससे हम प्लिस्तियों के हाथ से बचाए जाएं। तो क्या किया सैमुएल ने, इसराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई देना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करता रहा। तो क्या हुआ, सैमुएल ने यहोवा की दुहाई दी, इसमें उसने समर्पण को ऐड किया, बलि किया, बलिदान दिया। अकेली प्रार्थना नहीं की, साथ में क्या किया, समर्पण दिया, बलिदान किया। और सैमुएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। यहोवा ने उनकी क्या की, सुन ली। आगे पढ़ेंगे हम, और जिस समय 10 आयत में, जिस समय शैमुएल ने होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय प्लिस्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए, तब उसी दिन यहोवा ने प्लिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वह इसराइलियों से डर गए। देखे ना सामर्थ आई। क्या ये इसराइली अपने बल और ताकत से, मेहनत से जीत सकते थे? इतना कितनी मेहनत करनी पड़ती प्लिस्तियों से जो उनके, उनको मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जब मसीह लोग भी, कई लोग जब प्रभु में आते हैं, पहले प्रभु में आने से वो दूर दूर नंगे पैर ही जा रहे होते हैं,
10 डॉक्टर बदल लिए, पीजीआई जा रहे थे, इधर हॉस्पिटल गए, इतने हजार लग गए, सब कुछ वो कर रहे थे जो चर्च जाके छोटा सा काम बोला जाता, विश्वास कर लो जी, प्रार्थना कर करो, बस बाइबल पढ़या करो, लगातार चर्च आया करो, सात एतवार लगातार आना, उन्हें वो मुश्किल लगता है, समझ पा रहे? तो यही तो चीज है कि प्रार्थना, प्रार्थना में लगे रहना, ये प्रार्थना में लगे रहे, खुदा ने पावर भेजी, पावर, पावर से बादल गरजा, घबरा गए सभी। जब जिगरा ही मर जाता फिर बंदा लड़न जोगा नहीं रहता, फिलिस्तीन का जिगरा मर गया, इसराइली आए उन्होंने गरज के, जो हवा साडे नाल पिया पिया मारे उन्होंने, समझ पा रहे हो? यही है, बड़े कड़क के साथ घर जाकर उन्हें घबरा दिया और इसराइलियों से वे हार गए, इसराइलियों से हार गए। क्या किया था इसराइलियों ने? सैमुअल से बोला हमारे लिए दुहाई देना ना छोड़ना, नबी जी लगे रहो तुम साडे लिए, समझ रहे ना? प्रार्थना में लगा रहना, खुदा क्या भेजता है, फायर को भेजता है, आग को भेजता है, चमत्कारी रूप में आपको उस संघर्ष से निकाल लेगा जिसमें आप फंसे हुए हो। देखो आपका कौन सा मसला है जिसको आज आप लेके बैठे हो, प्रार्थना में लगे रहो, बस लगे रहो, हे आप न छोड़ना, लगे रहना, खुदा भेजेगा कुछ ना कुछ आपके लिए, खुदा करेगा कुछ आप कुछ ना कुछ, और ऐसा करेगा झट पर तुम जो मसला तुझे बहुत मेहनत करके हल करवाना था वो मिनटों सेकंडों में तेरे लिए काम होगा। पढ़ेंगे आगे भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे यहोवा बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। मतलब वायदा खुदा से एक समय का, खुदा मैं इतने टाइम में ये समय बोर को तड़के उठ के या नाट रात को या दोपहर को मैं तेरे आगे प्रार्थना करूंगा, दुहाई देगी और मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। प्रार्थना करके खुदा की इंतजार करो, खुदा तेरे लिए तैयार है सब कुछ करने। बोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, कहता उसने फैसला किया, बोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, तेरा इंतजार करूंगा रोज 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 रोज, और प्रभु अपने काम में देर नहीं करता, याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम भजन संहिता 6:6, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। इसने निरंतर यह प्रार्थना में रहा खुदा की दुहाई में, सब कुछ पॉसिबल है प्रार्थना के जीवन से। कुछ लग रहा है आपको आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम ऐसी प्रार्थनाएं करो निरंतर वाली। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता रहा, रो रो के प्रार्थना करता रहा करता रहा, प्रति रात मेरा बिस्तरा मेरा बिछोना भीगता था, भीगता है मतलब मैं रोज करता हूं, कहता निरंतर करता हूं इसे, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। आगे पढ़ेंगे, यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है और यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया, वो सुनेगा, वो ग्रहण भी करेगा और वो उत्तर भी देगा। जब तुम ऐसी प्रार्थना करते हो यहोवा उसकी और जरूर कान लगाता है। निरंतर प्रार्थना में रहना, क्या प्राप्त करना? सामर्थ। तुम अपने पति को बदलता हो देखना चाहते हो, बच्चों को बदलता हो देखना चाहते हो, ग्रहण करो सामर्थ को। तुम अपनी वाइफ को बदलना देखना चाहते हो, सामर्थ को ग्रहण करो। उसने कहा तुम बदल, तेरा घराना बदल जाएगा, तुम बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, मतलब तुम बदल, तेरा घराना बदल जाएगा। तुम एक दूसरे को मत बोलो कर तू है तू है, अपने जितने भी मसले हैं तुम प्रार्थना में भर जाओ, तेरा माहौल उस पर उतर आएगा। हालेलुया, तुम घर में उसे बनाओ, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आगे पढ़ो मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कहते मांगोगे सामर्थ मांगोगे तो तुम्हें वो दी जाएगी, और भी जो कुछ तुम मांगना चाहते हो, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। मतलब मांगना मतलब उसके बाद कहते ढूंढना है तुझे, आए तूने सामर्थ मांगी, प्रभु सामर्थ दे दे। प्रचार क्या है? निरंतर प्रार्थना में उसे मांगना, निरंतर ढूंढना। लोगों को लगता है एक बार भूख दिखाई सामर्थ आ जाएगी, फिर प्रभु चेले नु भी कहता मैं अज जा रहा कल 12 बजे आ जाऊंगा, तुम प्रार्थना च लगे रहो। उन्होंने कहा प्रार्थना च लगे रहो जब तक सामर्थ ना पाओ, वो लगे रहे प्रार्थना च, लगे रहे लगे रहे लगे रहे और सामर्थ उतर रही। हालेलुया, मैं कह लगे रहो लगे रहो लगे रहो, खटखटांदे जाओ, प्रभु जी
हाँ जी बेटा सामर्थ रोज प्रभु जी। हाँ जी बेटा सामर्थ। खटखटाते जाओ खटखटाते जाओ, जब तक खुले ना। इस भविष्यवाणी के लिए लड़ना है, लड़ना है। खटखटाते जाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लोग कहते हाँ मैं तो मंगया, मेरा तो कुछ होया नहीं, मैं लुधियाने क्रूस चर्च गया, मेरा तो कुछ होया नहीं। अरे आके ढूंढ और चर्च में आके, बंदगी अटेंड कर, फिर लगातार और चर्च में आना शुरू कर, ढूंढना शुरू कर। प्रभु मैं जान गया तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, सच्चा जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे ढूंढने के लिए और चर्च में आया हूं। और देखना तुम खुदा कैसे काम करेगा फिर तुम्हारी लाइफ में। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब ढूंढ रहे और खटखटाओ, मांगने से नहीं मिलता, ढूंढना शुरू करो। ढूंढने से नहीं हो रहा है, जोर जोर से खटखटाओ, प्रभु जी हाँ बेटा मैंने पता तू की चाहना, ग्रहण कर। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसमें निरंतर प्रार्थना को बताया, एक बार की प्रार्थना नहीं, प्रभु मंगिया सी मिलिया नहीं, मांगो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। क्यों आगे पढ़ेंगे हम, लूका 18 की 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि नित्य प्रार्थना करना, हयाब ना और हयाब ना छोड़ना चाहिए। मैं रोज प्रार्थना करनी, निरंतर प्रार्थना करनी और हयाब ना छोड़ना। तो आपको जो प्रार्थना का समर्पण कैसा होना चाहिए कि खुदा इतना टाइम तेरे साथ बैठना ही बैठना है, और लड़ो उस टाइम पर उतना टाइम बैठने के लिए, और सामर्थ उतर आएगी। समझ पा रहे हो, सामर्थ उतर आएगी। क्योंकि जो एक व्यक्ति अभी गिरा हुआ है उसका मसला तो उठने का है, सामर्थ का उसका मसला नहीं है। पर वो मसले सब खुदा ने क्लियर कर दिए। खुदा कहता है आज से तुम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। तुम ये नहीं कह सकते मैं तो इतना टाइम दूर रहा, मुझे सामर्थ नहीं। तुम बस उठो मांगो। एक आपके शक लगता है, मुझे पता है मैं बार बार गिरा था और उठा भी था, पर उठने में मुझे पता है काफी टाइम लगता है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ये तेरा फेथ है, और प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। अगर तुम वचन की ओर देखें, प्रभु ने मजदूरों को काम पर लगाया। एक सुबह आया बंदा, काम सुबह से कर रहा है, एक दोपहर को आया, एक एक घंटा रह गया था दिहाड़ी खत्म होने में, एक घंटा पहले आया। प्रभु ने सबको बराबर दे दिया। बाकी कहने प्रभु उसी सवेर दे काम कर रहे हैं, वो कहते असं दोपहर दे काम कर रहे, घंटा काम किया। प्रभु कहते मेरा है सब कुछ, मैं जिन्हों मर्जी देव, मेरा पैसा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे उसकी दया तुझे कभी भी वो दे सकती है। अपनी सोच को बंद कर दो, वो तुझे आज भर के भी कह सकता है वफादार रहना नहीं तो ले लूंगा, वो तुझे महीने बाद पर के भी दे सकता है। ये देने वाले पर है, ये बढ़ाने वाले पर, परमेश्वर पर है। पर नित्य प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना चाहिए, ये दृष्टांत का आगे पढ़ेंगे। तो लूका 18 की 7 में क्या लिखा है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। परमेश्वर कहता क्या तुम चुने हुए हो? बुलाए हुए होते तो आज घर सो रहे होते, नशा कर रहे होते, नशा बेच रहे होते, व्यभिचार में होते, गेड़ियां मार रहे होंगे होते, आज प्रोग्राम च शराब पी के डिगे होने से इधर उधर। पर बाइबल बताती है तुम चुने गए हो, तुम चुने हुए तो इसलिए बैठे हो। जेडे नाम दे मसीह है वो अज भी कितने होने है ना, समझ रहे ना? तो तुम चुने हुए हो, चुने हुए का न्याय चुकाएगा, जो रात दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। उसने ये नहीं बोला जिसने एक बार दुहाई, उसने कहा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते उनकी वो सुनेगा। तुम क्या मांग रहे हो? तुम चंगाई के लिए नहीं मांग रहे हो, तुम दुष्टात्मा के लिए नहीं मांग रहे हो, तुम क्या मांग रहे हो? खुदा मुझे सामर्थ दे, सामर्थ दे, बस मुझे शक्ति दे। बस शक्ति तुझमें आएगी, तुम खुद अपनी दूर को झाड़ दोगे। चल बीमारी जा, चली जा बीमारी ए शरीर ये सूद, समझ रहे ना? तो लक्ष्य आज एक ही हो, सामर्थ चाहिए खुदा। जब वो सामर्थ तुझ पे आएगी तुम अपने मसलों को भी हल कर लोगे, चाबी पास आ जाएगी। दुहाई देते रहते क्या ही उनके विषय में देर करेगा,
वो देर नहीं करेगा। दिन रात दुहाई दो, समर्पणों में रहो, जल्दी पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे जीवनों में आ रही है। ओके, पढ़ेंगे आगे हम कुलूसियों 4:2। प्रार्थना में सिर्फ एक बार करो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो तो। हाँ अच्छा, लगे रहो, ठीक है, क्या लिखा है फिर, लगे रहो, लगे रहो, एक बार ना करो, लगे रहो, लगे रहो, हे आप ना छड्डो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और धन्यवाद के साथ जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, खोजते जाओ, ढूंढते जाओ, खटखटाते जाओ, सामर्थ का द्वार खुलेगा, आकाश की खिड़कियां खोल के तुझे दूंगा। मैंने बोला ना, खिड़कियां तो पहले ही खुली, बस बैठना है, खिड़कियां तो पहले से खुली। योना की किताब पढ़ेंगे, दे दो कोई भी बाइबल। योना ने क्या की, यहां पर लिखा योना की प्रार्थना। तब योना उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से ये प्रार्थना करके कहा, योना नबी को खुदा ने भेजा था कि तुम मेरे कामों को करना है, यहां जाना है तुझे। वो कहता नहीं नहीं प्रभु, जहां जाऊंगा, और प्रभु ने उसे आपको स्टोरी पता है, उसने एक मछ भेजा, उसके पेट में वो चला गया, उसके पेट में जब वो रहा वो आपे में आया। तुम्हें कब पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है, वहां से शुरुआत होती है, सामर्थ आ जाती है, पर शुरुआत वहां से होती है सामर्थ, जब तुम्हें उसकी कमी महसूस होती, परमेश्वर की जरूरत महसूस होती है। फिर योना जब कुदन उसे मछली के पेट में लिया, उस मछ में पेट में गया, और परमेश्वर यहोवा से वह ये प्रार्थना करके कहा, उसने, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। योना दूर हो गया था परमेश्वर से, उसकी बुलाहट से, जो खुदा ने बुलाहट भेजी थी, इसलिए आप एक बुलाहट के लिए चुने गए हैं, और परमेश्वर आपको यहां देखना चाहता है। मैंने लुधियाना में बोला था, आप वहां नहीं हो, मानना पड़ेगा इस चीज को, तब तक नहीं उठेंगे आप। आप कहेंगे सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, पर नहीं, खुदा यहां देखना चाहता है, वहां तुम नहीं हो। खुदा यहां तुझे, जहां तक तुझे ब्लेस करना चाहता था, जहां तक तुझे अभिषेक देना चाहता है, यहां तक तुझे बढ़ाना चाहता है, यहां तक तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, यहां तक तुझे देना चाहता है, तुम वहां नहीं हो। योना मान गया कि हां, मैं वहां नहीं हूं जहां खुदा ने मुझे भेजा था, मैं गलत जगह दिशा में जा रहा था। कहते तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया और मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकलने जाते थे, और गहरे जल, गहरा सागर मेरे चारों ओर था, और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, और मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। वो आपको भी उठाएगा, उठा चुका है। आपने धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाया, शरीर की बातों पर मन लगाया, बहुत सारी धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर, शरीर पर, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने स्वार्थ पर, अपनी मैं पर, अपने घमंड पर, अपने लालच पर, पैसे पर, सुंदरता पर, किसी की कुछ ऑफर पर आपने मन लगाया। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने कर्णों निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको मैं पूरा करूंगा, उदार यहोवा इसे होता है। तब यहोवा ने मच को आज्ञा दी कि उसे योना को स्थल पर उगल दिया, और मच ने योना को वहां पर उगल दिया। तो योना ने भी वहां पर क्या की, प्रार्थना की, दुहाई दी खुदा की, खुदा की ओर से फिरा, पश्चाताप किया उसने, और परमेश्वर ने उसे फिर वही बुलाहट पर, यहां पर उसने जाना था प्रचार के लिए, वहां पर मच ने उसे उगल दिया। इसलिए आपको वहां होना है, यहां खुदा चाहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, संगति में बढ़ना है। पढ़ेंगे हम पहला सैमुएल उसकी 12 की केवल 24 और 25 पढ़ेंगे हम यहां पर। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कौन से बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। कहता अगर तुम बुराई ही करते रहोगे तो मिट जाओगे। वो शारीरिक बंधन, वो बीमारियों के बंधन, वो दुष्टात्मा के बंधन, पाप के बंधन तुझे मार देंगे, पर अगर तुम सामर्थ ग्रहण करोगे
तो वो उस अभिषेक के कारण, जो अभिषेक में सामर्थ है, वो सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। सब बोले आमीन। क्योंकि ये तो सोचो कि यहोवा ने तेरे कितने बड़े बड़े काम किए। आगे बढ़ेंगे। एक राजा ने जो 20वें वर्ष में निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले कि मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। नहमिया राजा के सामने कभी उदास ना हुआ था, पर जब राजा ने इस बार दाखमधु से वो दे रहा है, वो उसके सामने उदास हो गया। तब राजा ने उससे पूछा, तू ना तो रोग, तू रोगी नहीं है, तो फिर मुंह क्यों उतरा है तेरा? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? आपके अंदर खुदा के कामों के लिए बोझ आना चाहिए। कहते जब खुदा के भवन के फाटक जले हुए हैं, सब मार्ग उखड़े हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? कहते तू कोई बीमार नहीं, तू उदास क्यों? मुझे तो मन की उदासी लग रही है। नहमिया मन में उदास था, और राजा के सामने उसने अपनी बात को फिर बताया। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को बाए तो मैं अपने दास से वो प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। उसने इजाजत ली कि मुझे मेरे पुरखाओं की वहां पर जाने दे, कि ताकि मैं वहां पर उस नगर को भेज, ताकि मैं उन्हें वो जो खंडर बन चुकी, जो चीजें फाटक जले हुए हैं, पुरखा को जो मेरे नगर है उसे मैं फिर से बनाऊं। और राजा ने उसे इजाजत दी। उसने कहा, मुझे वहां पर जाने का मुझे पत्र भी दे दे, कि मुझे वहां पर जाने की इजाजत मिले, कि मैं वहां पर ये काम कर सकूं। और 8 आयत में लिखा है, और सरकारी जंगली के रखवाले असाब के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन के लिए, भवन में लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए, शहरपना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दें। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। कहते मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि, इसे नोट कर लेना, मुझ पर थी, इसलिए राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। प्रार्थना परमेश्वर की कृपा दृष्टि को लेके आती है। नहमिया ने जब प्रार्थना की, तो नहमिया ने राजा से बात करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना की। राजा से बात करने से पहले कहता, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई कि राजा मेरी बात को मान गया। राजा ने कहा, जा, मैं तुझे इतने दिन की छुट्टी देता हूं, तो इस काम को कर। तो प्रार्थना परमेश्वर की कृपा दृष्टि को लेके आती है आपकी लाइफ के ऊपर, कि परमेश्वर की कहता कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने मेरी सुनी। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु की कृपा दृष्टि अनुग्रह लगातार बने रहेंगे आपकी लाइफ में, बहुत आयत से होगा। कहीं के ऊपर अनुग्रह होगा, कहीं पर थोड़ी मात्रा होगा, कहीं के ऊपर प्रभु बोलेगा मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुत आयत से। जितना तुम उसके साथ रहोगे, उतना अनुग्रह बहुत आयत से होगा। फिर तू जहां भी जाओगे, तुम राजाओं के पास, अधिकारियों के पास, कहीं भी जाओगे अपने काम के लिए, अपने चीफ विषयों के लिए, खुदा तुझे फेवर देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना प्रभु की कृपा को दृष्टि को लेके आती, निरंतर खुदा के सामने प्रार्थना करना। तो इसलिए आज इन कदमों को बढ़ाना, आज से आपका टॉपिक है कि प्रभु मुझ में से सामर्थ बहे, मैं सामर्थ को ग्रहण करना चाहता हूं, उसके लिए मैं समर्पण दूंगा, उसके लिए मैं निरंतर प्रार्थना में जाऊंगा, उसके लिए मैं लगातार उस प्रार्थना में खटखटाता रहूंगा और मैं विश्वास से प्राप्त करूंगा। हालेलुया।